Welcome back in our YouTube channel once again. Let me start in today's class Introduction to Integration. तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन की. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी और यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंटीग्रेशन जो है आपका वो वर्क करता है और इंटीग्रेशन को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, कंबाइंड करना. आपने सुना होगा कि इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं सुना है. तो इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो हमारा डिफरेंट डाइवर्सिटी कल्चर में है लेकिन फिर भी हमारा जो भारत है वो एक यूनिक है, इस चीज़ को हम इंटीग्रिटी कहते हैं. तो वहीं से हमारा वर्ड बन के आएगा इंटीग्रेशन. क्लियर है? चलिए, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर इंटीग्रेशन को समझने के लिए, देखिए, इंटीग्रेशन इज़ अ वे ऑफ एडिंग स्लाइस टू फाइंड द होल. यानी कि क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ एडिंग स्लाइसेस, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स को एड कर करके पूरे टोटल पार्ट को निकालना ही क्या है, इंटीग्रेशन. क्लियर है? समझ में आ रहा है? चल, तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअली इंटीग्रेशन सेज दैट, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन कैन बी यूज टू फाइंड एरिया, वॉल्यूम, सेंट्रल पॉइंट्स एंड मैनी यूजफुल थिंग्स. बट इज इजीस्ट टू स्टार्ट विथ फाइंडिंग द एरिया बिटवीन अ फंक्शन एंड द एक्स एक्सिस लाइक दिस. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फाइंड करते हैं. यहाँ पे पहले थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल समझते हैं. ठीक है? तो इंटीग्रेशन इज़ अ मेथड ऑफ एडिंग और समिंग अप द पार्ट्स टू फाइंड द होल. देखिए यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या करता है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन सबको ऐड करके जो टोटल फाइंड करना है, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन. एंड दैट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का. क्लियर है? ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, हम टोटल पार्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. बट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि स्मॉल पार्ट्स को हम होल में ऐड करते हैं, टोटल ऐड करते हैं उनका. ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारा यूज़ होता है कि एरिया फाइंड करने में या किसी भी चीज़ को फाइंड करने में. तो चलिए देखते हैं हम लोग. ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कोई इस तरीके का कर्व है, ग्राफ दिया हुआ है, उसका एरिया फाइंड करना है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ ट्रायंगल, दैट इज़ अ हाइट, दैट इज़ अ बेस. So you can easily find the area of triangle, and the area of triangle is, सभी को पता है, half base into height. But अगर हम बात करें कि कोई different आपके सामने figure आता है, suppose like that, कुछ कर्व शेप में आ जाता है, वेट, चलिए ये देखिए, ये एक एक्स और ये वाई एक्सेस है और यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ है, इस तरीके से. अब इसका एरिया फाइंड करना है तो आपको पता है कि यहाँ पर एक्चुअली ये ट्रायंगल नहीं है, कई जगह कर्व है, तो हम क्या करते हैं इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है ना? तो ये देखिए, ये देखिए जिस तरीके से हम ये स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो
तो देखिए जिस तरीके से हम इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और इन जब सारे स्मॉल पार्ट्स को हम ऐड कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये जो सम आएगा आपका ये टोटल एरिया फाइंड करेगा। अब देखिए जो एरिया का एक्यूरेसी होगा वो तो नहीं होगा उतना ज़्यादा, बट हम जो फॉर्मूले यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन में उसका यूज़ करके एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो तो एरिया ऑफ एक्यूरेसी कैसे फाइंड करेंगे, जितने नंबर्स ऑफ स्लाइसेस हम बढ़ा देंगे कि नंबर ऑफ स्लाइसेस यानी कि जितना भी स्मॉल पार्ट्स होगा वो जितने ज़्यादा होंगे उतना हमारा एक्यूरेसी बेटर होगा। क्लियर है? तो वो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन क्या हो गया, समेशन ऑफ स्मॉल पार्ट्स, और ये जितने ज़्यादा स्मॉल पार्ट्स होंगे इंटीग्रेशन का लेवल बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगली स्लाइड में बात करते हैं कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका जो सिंबल होता है वो इंटीग्रल, जिसको हम इंटीग्रल सिंबल बोलते हैं, दैट इज़ अ इन द फॉर्म ऑफ एस, स्टाइलिश एस। ठीक है, देखिए एस हम लोग ऐसे बनाते हैं बट ये जो इसका सिंबल है वो कुछ इस तरीके से बनता है, तो ये एक एस का ही फॉर्म है और जिसको हम लोग स्टाइलिश एस कहते हैं। दैट शोज़ द आइडिया ऑफ समिंग स्लाइस, यानी कि स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को ऐड करने का। ठीक है ना, तो देखिए किस तरीके से, ये देखिए ये स्लाइस को किस तरीके से शो कर रहा है, डी एक्स, यानी कि ये जैसे हमारा पार्ट था अभी हमने पीछे यहाँ पर बनाया था, तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्मॉल पार्ट्स है ये आपका क्या है, डी एक्स है, ये डी एक्स है। तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे स्मॉल स्लाइड्स में दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो क्या है, फंक्शन वी वांट टू इंटीग्रेट, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये इंटीग्रेशन सिंबल है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन को एक्चुअली में कैसे अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की एन पावर है अगर, तो उसका जो फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, क्लियर? सेकंड जो फॉर्मूला है जो आपका यूज़ होगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, जो नेक्स्ट होगा यूज आपका, थर्ड फॉर्मूला एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। सेम फोर की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट फॉर। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने कांस्टेंट के लिए पढ़ा था, याद होगा आपको डिफरेंशिएशन में, कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, बट इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आ जाएगा। जैसे वन का किया तो डी एक्स कर रहे थे तो एक्स के रिस्पेक्ट में आ गया, अगर वन का डी वाई के रिस्पेक्ट में करते, एग्जांपल जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सी लिखा हुआ है और ये डी एक्स है, तो यहाँ पर सी तो कांस्टेंट है, यहाँ पे वन हो गया, सी तो बाहर आ गया, वन हो गया, तो इसकी जगह क्या आ गया, एक्स, तो ये सी एक्स हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सभी को इंटीग्रेशन के प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इंटीग्रेशन वर्क करता है, और ये फाइव फार्मूले हैं जो आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे जगह जगह पर, और जो भी आपके फर्दर यूज़ होते रहेंगे। एक चीज़ और हमको एक्सपोनेंट का आपको बताना भूल गया मैं, नंबर सिक्स इंटीग्रेशन ऑफ
ई की पावर एक्स का अगर आप कर रहे हैं तो वो सेम रहता है, ई की पावर एक्स ही रहेगा, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन, तो वो दोनों ही आपके सेम रहेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे उसको देखते रहेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इन सभी फॉर्मूले में ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए जो इंटीग्रेशन किया है, ये जो इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट आएगा इन सभी फॉर्मूले में देखिए प्लस सी ऐड होता है। क्या ऐड होता है? प्लस सी, सभी फॉर्मूले में प्लस सी, यहाँ पर सभी में प्लस सी ऐड होता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये सी क्यों ऐड होता है इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा और उसमें हम लोग जानेंगे कि क्यों ऐड होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, और हम लोग फिर कल मिलेंगे कि किस तरीके से इंटीग्रेशन में हम सी को ऐड करते हैं और प्रॉपर अदर कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।